दोस्तों सब्सक्राइब करें टेक्निकल लाइफ को और प्रेस करें इस घंटे को ताकि वीडियोस देख पाएं आप सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैफुल्ला और आप देख रहे हैं टेक्निकल लाइफ यूट्यूब चैनल। और आज मैं जो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो है कमाल की चीज़ें, जिसमें तीन चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगा। और इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है कि अगर आपका मोबाइल स्लो चलता है, सुस्त चलता है, हैंग करता है, अच्छी तरह से नहीं चलता, तो आप उसको जो है अपने मोबाइल को ठीक कर सकते हैं। आपको मोबाइल अच्छी तरह से चलेगा और सुस्त नहीं चलेगा, हैंग भी नहीं करेगा। इसके लिए मैं आप लोगों को ये नहीं कहूँगा कि आप अपने मोबाइल को फॉर्मेट कर लीजिए, मैं एकदम सीधा सिंपल सा तरीका बताऊँगा जो कि आपको 5-10 मिनट लगाना है टाइम और उसे ठीक करना है। और इसी में बस एक ही तरीका है, मतलब काम एक ही करना है लेकिन फ़ायदे तीन है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपका बैटरी नहीं चल रहा है, सही नहीं चल रहा है, जल्दी बैटरी उतर जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो सबसे पहली बात है कि अगर आपका बैटरी ख़राब है तो उसके लिए हम नहीं कुछ कह सकते। अगर आपका बैटरी ख़राब नहीं है और कुछ जो है, जैसे आप अगर कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो वो बैकग्राउंड में रनिंग होता ही रहता है, इसलिए आपका बैटरी जो है ज़्यादा चार्ज उतरता है। तो दूसरा फ़ायदा आपको वो होगा कि आपका बैटरी जो है सही हो जाएगा, ज़्यादा बैटरी उतरेगा नहीं। और तीसरा फ़ायदा ये है कि जैसे किसी किसी मोबाइल में स्टोरेज कम होता है और जिसमें मान लीजिए कि 5-6 एप्लीकेशन इंस्टॉल किए हुए हैं और उसमें अगर कोई और जो है एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो मेमोरी बता देता है फुल, कि आपका मेमोरी फुल है, उसमें आप दूसरा एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। तो होता यह है कि जैसे अगर आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे ऑनलाइन वाला जितना भी एप्लीकेशन है तो आप उसे यूज़ करते रहते हैं तो उसमें MB बढ़ जाता है, ठीक है। तो बढ़ जाता है तो उसे आप क्लियर करना पड़ेगा आपको जाके सेटिंग में, तो उससे आपका जो है मेमोरी, फ़ोन मेमोरी खाली हो जाता है, तो ज़्यादा नहीं लेकिन खाली हो जाता है काफ़ी, जिससे आप जो है एक दो एप्लीकेशन और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप अपने सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद आप ऐप्स में जाइए, हो सकता है आप में लिखा हो एप्लीकेशन मैनेजर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं, मेरे में ऐप्स लिखा है तो मैं ऐप्स में जाता हूँ, आप में एप्लीकेशन मैनेजर भी लिखा हो सकता है तो आप इसमें जाइए। उसके बाद आप क्या कीजिए, ये देख सकते हैं जितने भी एप्लीकेशन है इसमें, जितना ये सब रनिंग हो रहा है, ठीक है। तो हमें हर एप्लीकेशन में इसे घुस के उस पर क्लिक करके उसके बाद जो है यहाँ स्टोरेज में मैं देखता हूँ, स्टोरेज में जाता हूँ। स्टोरेज में जाने के बाद हम इसे क्या करना है, क्लियर डाटा करना है। क्लियर डाटा करना मैंने अभी सब किया है, इन सबको क्लियर। तो देखते हैं अभी कोई और भी चालू होगा तो उसे हम आपको बताते हैं। तो आप एक लाइन से, एक तरफ से शुरू से लेके आखिरी तक जितने भी एप्लीकेशन इसमें है आपके मोबाइल में, आप सबको इसी तरह से क्लियर डाटा कीजिए, नीचे भी और ऊपर भी। और उसके बाद जो है ये देख सकते हैं अभी मेरा फोर्स स्टॉप हाइड हुआ जैसा लग रहा है क्योंकि मैंने इसे कर दिया है। तो आप एक बार फोर्स स्टॉप पे भी क्लिक करके उसके बाद ओके कर दें। हम देखते हैं दूसरे में, ये Alibaba.com को हम ओपन करते हैं और इसमें हम देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जाते हैं स्टोरेज में। स्टोरेज में जाने के बाद अभी हम क्लियर डाटा करते हैं। क्लियर डाटा पर क्लिक करने के बाद ओके ओके, आप देख सकते हैं अभी रुकिए थोड़ा सा, ओके देखिए मेरा ये क्लियर डाटा हो चुका है। आप इन दोनों में से किसी एक पर भी कर देंगे, ऊपर वाले पे कर दिया तो नीचे में ऑटोमेटिकली हो गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फोर्स स्टॉप पर क्लिक करेंगे फिर ओके। उसके बाद ये थोड़ा सा टाइम लगेगा तो फिर आप बैक जाइए और दूसरे एप्लीकेशन को खोल लीजिए। मान लीजिए ये है मेरा एप्लीकेशन, इसमें हम चलते हैं फिर से स्टोरेज में। इसमें आप इधर ध्यान दे सकते हैं इस बगल साइड में, ये देखिए अभी 17.39 MB का है, अभी ये थोड़ा सा कम होगा क्योंकि मेरे ख्याल से इसमें ज़्यादा MB नहीं लगा होगा, तो इसे हम कम करते हैं। 17.39 है याद रखिएगा। ये देखिए 16.37, मतलब 1 MB से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें खाली हुआ हमारा। और ये हमारा एप्लीकेशन अभी फोर्स स्टॉप कर देते हैं ताकि ये चलता ना रहे, जब हम इसे यूज़ करें
तभी ये चले। तो आप कर लीजिए इसी तरह से सारे के सारे को। ये भी देख लीजिए, ये 45.36 है, तो इसे हम इसे भी स्टोरेज में जाके फिर इसे क्लियर डाटा करते हैं। देखो 45.36 और अभी ये 27.99 है, मतलब 28 के करीब, कितना कम होता है ये देखिए। तो इतना ये सब तो आपके मोबाइल में जगह खाली ही हो रहा है ना। अभी हम इसको फोर से स्टॉप कर लेते हैं। इसी तरह से आपका जितना भी एप्लीकेशन है आप सबको इसी तरह से कर लीजिए। जितने भी मोबाइल के आप अलग से जो डाउनलोड किए हैं उन सबको आप कर लीजिए। तो मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि अगर जैसे फेसबुक का आपने किया, मैसेंजर का किया, ईमो का किया, व्हाट्सएप का किया, तो ऐसे अगर आप लोग अपने ईमो व्हाट्सएप का अगर करते हैं तो क्या होगा कि आपका जो अकाउंट वो लॉग आउट हो जाएगा। तो अगर आपका अकाउंट आपको याद है, यूज़र नेम पासवर्ड याद है, तो कोई मुश्किल नहीं है, आप जो है कर सकते हैं। अगर नहीं याद है तो होगा ये कि आप अपने अकाउंट को फिर से खोल नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर आपको याद नहीं रहेगा तो फिर खुलेगा कैसे, क्योंकि वो लॉग आउट हो जाता है, वो बंद हो जाता है, फिर से आपको उसे चालू करना होगा। इसी तरह से आप सारे के सारे को कर लीजिए। इसको करने के बाद मैं आपको बता दूं कि ये रोज़ रोज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप हफ्ते में या महीने में कर सकते हैं। महीने तक में आप लाजिम इसे एक बार कर लीजिए। जितने भी एप्लीकेशन है सबको आप इसी तरीके से अगर कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका बैटरी का लाइफ भी बढ़ेगा, आपका बैटरी भी ज़्यादा चलेगा और आपका मोबाइल भी स्लो नहीं चलेगा और आपके मोबाइल में जगह भी खाली रहेगा इंशाल्लाह। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर आपको कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट में आप ज़रूर पूछिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।